हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोंट ब्रीथ, जो नेटफ्लिक्स पर 2016 में आई एक अमेरिकन एंड थ्रिलर मूवी है। आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। अब आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ गूगल पे कैश भी अर्न कर सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, और यही काम अपने दोस्तों से भी करवाना है। वीडियो में आपको एक कोड मिलेगा, उसे आपको हमें इंस्टाग्राम पर भेजना होगा। लकी विनर को 5 to 100 rupees तक गूगल पे कैश अर्न कर सकते हैं। कहानी शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी किसी लड़की को बालों से घसीटते हुए ले जा रहा होता है। ये कौन है, इसने ऐसा क्यों किया और ये लड़की कौन है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर हम रॉकी, एलेक्स और मौनी को देखते हैं, जो छोटी मोटी चोरियाँ किया करते थे। ये लोग वहीं पर चोरी करते थे जहाँ पर एलेक्स के पिता की कंपनी द्वारा सिक्योर्ड किया जाता था, क्योंकि एलेक्स के पास उन घरों की सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम मौनी को चोरी की चीज़ों को बेचते हुए देखते हैं। उन चीज़ों के बदले उसे पैसे तो कम मिलते हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है वो किसी खजाने से कम नहीं होती। मौनी फिर एलेक्स और रॉकी को बुलाकर ये इन्फॉर्मेशन बताता है, जिसमें हम जानते हैं डिट्रॉइट के बाहर इलाके में एक US का रिटायर्ड आर्मी वेटनर रहता है, जिसके घर में शायद $300,000 है, वो भी इन कैश। ये पैसे उसे सेटलमेंट के लिए मिली थी जब किसी सिंडी रॉबर्ट्स नाम की लेडी ने गलती से उसके बेटी को कार से मार डाला था, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एलेक्स पहले ना बोलता है, लेकिन अमाउंट बड़ी होने की वजह से मान जाता है। यू नो ना, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। एनीवेज, सीन चेंज होता है जहाँ हम तीनों को वेटनर के घर के बाहर जासूसी करते हुए देखते हैं। इनको पता चल जाता है कि वेटनर तो ब्लाइंड मैन है, जिसकी आंखें वॉर में चली गई थी। ये तीनों रात में वेटनर के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, जहां बाहर में वेटनर का अग्रेसिव डॉग होता है, जिसे ये लोग उसे ड्रग्स देकर सुला देते हैं। फिर एक एक करके ये तीनों घर में घुसकर सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल करते हैं। मौनी चुपके से वेटनर के कमरे में स्लीपिंग गैस छोड़ देती है, ताकि वेटनर लंबे टाइम तक जाग ना सके। फिर ये तीनों पूरे घर में पैसे को भूखे भेड़िए की तरह ढूंढने लगते हैं। इस चक्कर में पूरा घर मैस हो जाता है। मौनी का ये मानना था कि पैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे रखे लॉकर में मौजूद हैं। मौनी पिस्तौल से एक दरवाजे की लॉक को शूट कर देता है, पर तभी गोली की आवाज़ से वेटनर जाग जाता है और मौनी की ओर किसी जॉम्बी की तरह आता है। पहले तो वेटनर हाथ जोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखता है, पर अगले ही पल वो मौनी को शूट कर मार डालता है। ये घटने को रॉकी सांसें थाम कर बड़ी खामोशी से देखती रहती है। फिर रॉकी मौका पाकर क्लोसेट में बंद कर लेती है। क्लोसेट के अंदर से ही रॉकी वेटनर को देखती है, जो एक सेफ खोलता है जिसमें कैश रखे हुए थे। वेटनर के जाने के बाद एलेक्स और रॉकी जब दोनों वो सेफ खोलते हैं, तब उनको उसमें $1 million से भी ऊपर कैश मिलता है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। खैर, दोनों उन पैसों को चुराकर भागने का सोचते हैं, पर वेटनर को भी भनक लग गई थी कि उनके घर पर और लोग भी मौजूद हैं। दोबारा सेफ चेक करने पर इस बार उसे सेफ एब्सोल्यूट ब्लैंक मिलता है, जो उसे बहुत दुखी कर देता है, साथ में गुस्सा भी। वहीं रॉकी और एलेक्स बेसमेंट से भागने के लिए निकलते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक चेन से बंधी हुई लेडी नज़र आती है, जो बड़ी बुरी कंडीशन में होती है। इस लेडी के बॉडी में एक बेल लगी हुई होती है, जब वो मूव करती थी तब ये बेल बज जाती थी, जिसे वेटनर सुन पाता था। वो लेडी रॉकी को एक पेपर कटआउट देती है, जिसमें सिंडी रॉबर्ट्स के बारे में लिखा होता है, और यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि वही सिंडी रॉबर्ट्स है, जिसने वेटनर की बेटी को गलती से कार से मारा होता है। कि तभी वेटनर पिस्तौल लेकर आता है और उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे कि एक गोली एलेक्स के कान को छूकर निकल जाती है और दूसरी गोली डायरेक्ट सिंडी को लग जाती है, जिससे कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और वेटनर सिंडी को पकड़कर माय बेबी बोलकर रोने लगता है। इन सब से रॉकी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो एलेक्स को साथ लेकर बेसमेंट से भागते हैं, पर तभी वेटनर घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है, जिससे घर में गुप अंधेरा छा जाता है। एलेक्स रॉकी के साथ इधर उधर भागता रहता है कि तभी वहाँ पर वेटनर का खतरनाक डॉगी आ जाता है। दोनों जल्दी से एक कमरे में घुस जाते हैं, पर एलेक्स किसी तरह डक्ट से घर के बाहर कूद जाता है। तभी वहाँ वेटनर पहुँच जाता है,
और हम देखते हैं कि वेटनर ने एलेक्स को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा हो। फिर वेटनर रॉकी को भी ढूंढ कर पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है। वेटनर उसे बताता है कि उसे सिंडी को इसलिए कैद किया हुआ था क्योंकि सिंडी द्वारा उसकी बेटी का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वेटनर को अब एक बच्चा चाहिए होता है, जिस वजह से वो सिंडी की बॉडी में अपना सीमेन को इंजेक्ट करता है। सिंडी प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, पर आज इस अफरा तफरी में सिंडी के साथ साथ उसका बच्चा भी मारा जाता है। अब वो रॉकी से उसका बच्चा लेगा। वेटनर रिपिश नहीं होता, बल्कि वो अपनी सेमेन को रॉकी की बॉडी में इंजेक्ट करता है। एलेक्स आकर वेटनर पर अटैक करके उसे बांध देता है और रॉकी के साथ भागने वाला होता है कि वेटनर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। किसी तरह बचकर रॉकी घर के बाहर तो निकल पड़ती है, पर वेटनर का डॉगी उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी फिर उस कुत्ते को झांसा देकर अपने कार में लॉक कर देती है और खुद बाहर निकल जाती है। पर तभी वेटनर वहां पहुंच जाता है और रॉकी को घसीटते हुए अपने घर ले जाता है। जब रॉकी के पास कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं होता, तो वो वेटनर के घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिवेट कर देती है ताकि अलार्म की आवाज़ से वेटनर रॉकी की मूवमेंट को ट्रेस ना कर सके। रॉकी पुलिस के आने से पहले वहाँ से पैसे लेकर भाग निकलती है। मूवी की लास्ट सीन में हम रॉकी को उसकी बहन डीडी के साथ देखते हैं, जो कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। स्टेशन के टीवी पर न्यूज़ आ रहा होता है, जिसमें वही वेटनर बयान देता है कि मेरे घर में दो चोर घुसे थे, जिन्हें मैंने आत्म सुरक्षा में किल कर दिया। मेरे घर से कोई चोरी नहीं हुई है। वो रॉकी का जिक्र भी नहीं करता और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को आप कुछ कर सकते हैं तो वो है एक्सपीरियंस। मूवी का नाम डोंट ब्रीथ इसलिए है क्योंकि आप इसे देखते वक्त कई जगह अपनी सांसों को ज़रूर रोक लेंगे। इतना इंटेंस माहौल है इस मूवी में। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस मूवी को देखने के लिए। ये सच में सांसें थाम कर देखने वाली मूवी है। जाते वक्त वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक मार देना यार। बाय।